नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। फरुखाबाद लोकसभा सीट की अलीगंज तहसील में मतदान केंद्र खिरिया परमारन में एक किशोर द्वारा 8 बार वोट डाले जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर आयोग ने 25 मई यानी कि आज इस खिरिया परमारन मतदान केंद्र पर पुनः मतदान करने का आदेश दिया था। और इसके बाद आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। आपको बता दें, जिला एटा के सभी अधिकारियों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही यहां सुबह 9 बजे तक 14% वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। सांसद जी, आज आप यहां आए हैं खिरिया परमारन पोलिंग बूथ पर, यहां पुनर्मतदान हो रहा है, कैसा मतदान चल रहा है, क्या देखा आपने? मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, व्यवस्थित तरीके चल रहा है। नियम साहब, फरुखाबाद लोकसभा की एटा जनपद में जो अलीगंज विधानसभा है, इसका बूथ है खिरिया परमारन, इसमें आज पुनर्मतदान हो रहा है, कितना चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज यहां पे दोबारा जो है इस बूथ पे मतदान हो रहा है, और अभी तक हम लोगों ने जो पता किया है कि 171 लोग वोट दे चुके हैं और यहाँ पे मतदाताओं की संख्या 1205 है, तो लगभग 14% का मतदान हो चुका है। जो अभी 10 तारीख को मतदान हुआ था, उस दिन 69% मतदान हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी स्पीड चल रही है। हम लोग को उम्मीद है कि 70% के आसपास हम लोग को पहुँच जाना चाहिए। पिछली बार यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो इस बार क्या बंदोबस्त किए गए हैं जिससे शांतिपूर्वक और फेयर मतदान हो सके? देखिए, जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, और बाहर भी गांव में भी हर जगह जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। साथ में गाँव में डुगडुगी भी बजाई गई थी 2 दिन तक, ताकि लोग मोटिवेटेड रहें और वापस मतदान करने के लिए। तो भीड़ से ऐसा लग रहा है, भीड़ देख के, कि काफ़ी लोग मोटिवेटेड हैं और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रिकॉर्ड मतदान होगा आज? नहीं, हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव के लोगों से भी बात की है और सभी से रिक्वेस्ट भी किया है, चूँकि दोबारा निकल के आना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है किसी के लिए भी, लेकिन जिस तरह से भीड़ लगी है, जिस तरह से मतदान हुआ है, तो पिछले बार से भी अभी 9 बजे का जो डेटा है वो बेटर है, तो हम लोग को लग रहा है कि वो हम लोग या तो पहुँच जाएंगे या क्रॉस कर लेंगे। थैंक यू। लोकसभा की एटा जनपद में अलीगंज विधानसभा में खिरिया परमारन बूथ में मतदान हो रहा है आज, क्या बंदोबस्त किए गए हैं, कैसा मतदान चल रहा है? बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है। पिकेट और बैरियर तक लगाए गए हैं ताकि बाहरी लोगों का आवागमन यहाँ पर ना हो पाए। गाँव के ही लोग हैं, गाँव के वो लोग डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़ी लंबी लाइन लगी है, और बिल्कुल निष्पक्ष और सकुशल मतदान हो रहा है और उम्मीद है कि अच्छा मतदान होगा। पूरे जनपद में 3 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल मतदान हुआ है, और यहाँ पर भी आप लोग क्या अपील करेंगे मतदाताओं से कि किस तरह से आएँ, बड़ी संख्या मतदान करें? मतदाताओं से अपील की गई है और काफ़ी प्रयास किया गया है, उसी का नतीजा है कि देखिए लंबी लाइन लगी हुई है और अभी तक 14% मतदान हो चुका है। उम्मीद है काफ़ी अच्छा मतदान हो। क्या पहले से ज़्यादा बेहतर रहने की उम्मीद है? ऐसी उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरुखाबाद का लोकसभा क्षेत्र की अलीगंज विधानसभा खिरिया परमारन, जहां आज वोटिंग हो रही है। जैसा कि आपको पता है, यहां 13 तारीख को वोटिंग हुई थी, जहां एक युवक से काफ़ी बार बार वोट डालने का वीडियो वायरल हुआ, उसी को देखते हुए प्रशासन ने यहां रिपोर्ट करा है और यहां पोलिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि पोलिंग पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एटा के जिलाधिकारी प्रेमबंदर सिंह, SSP और उच्च आला अधिकारी जिले के सभी यहां मौजूद हैं, और सुरक्षा व्यवस्था में भी आप देख सकते हैं काफ़ी पाबंद हो रखी है और वोटिंग चल रही है। मैं आपको बता दूँ, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपने कि वो दिखाएँ, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे वोटिंग हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। वोटिंग परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की है। आगे जैसा भी रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, शिवम गुप्ता। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।